एक जज के खिलाफ टिप्पणी के मामले में फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में बिना किसी शर्त के माफ़ी मांगी। इसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें आरोपों से बरी कर दिया। ये मामला 2018 में जस्टिस एस मुरलीधरन के खिलाफ ट्वीट से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर अग्निहोत्री के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज किया था। इसी मामले में सोमवार को अग्निहोत्री को कोर्ट के समक्ष पेश होना पड़ा और बिना किसी शर्त के माफ़ी मांगनी पड़ी। कोर्ट ने कहा कि विवेक अग्निहोत्री व्यक्तिगत तौर पर आज कोर्ट के समक्ष पेश हुए हैं। उन्होंने आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर खेद जताया है, बिना किसी शर्त के माफ़ी मांग ली है। अदालत का कहना है कि उनका इरादा कोर्ट के सम्मान को ठेस पहुंचाने का नहीं था, इसलिए उन्हें इस मामले में बरी कर दिया जाता है। कोर्ट ने कहा कि अग्निहोत्री ने जो हलफनामा पेश किया है उससे पता चलता है कि वो अपने व्यवहार को लेकर खेदजनक हैं। अग्निहोत्री ने कहा है कि वो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और उनका जानबूझकर कोर्ट की अवमानना करने का इरादा नहीं था। कोर्ट ने अग्निहोत्री के खिलाफ जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को भी वापस ले लिया है। आपराधिक मामले से बरी कर दिया गया है। अग्निहोत्री का माफीनामा स्वीकार करते हुए जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस विकास महाजन ने उन्हें मामले से बरी करते हुए भविष्य में इस तरह के व्यवहार से बचने की सलाह दी है।